हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रीमेक्स और सीक्वल्स का ट्रेंड कोई नया नहीं। जब भी ऐसी फिल्म आती है तो एक काम जरूर होता है, ओरिजिनल फिल्म से उसकी तुलना। 2007 में आई प्रियदर्शन की हिट फिल्म भूल भुलैया का अब सीक्वल है भूल भुलैया 2, जिसे अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया। भूल भुलैया 2 पहली वाली फिल्म की लेगेसी को कितना मजबूत कर पाती है, आज के रिव्यू में उसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं यमन और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। फिल्म की कहानी शुरू होती है रुहान और रीत से, जिनके रोल कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने निभाए। ये दोनों मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं और हालात इन्हें ले आते हैं राजस्थान के एक गांव में। वहीं की एक हवेली में कैद है मंजुलिका, जिसका पहले ही बता दूं विद्या बालन वाली मंजुलिका से कोई कनेक्शन नहीं, सिवाय बंगाली होने के और आमिजे तुम्हार गाने के। किसी वजह से सब रुहान को आत्माओं से बात करने वाला रूह बाबा समझते हैं। फिर आगे वही सब घटनाएं घटती हैं जो आपने एक्सपेक्ट की होंगी। फिल्म का प्लॉट कभी भी भूल भुलैया 2 का मेजर पॉइंट बनता ही नहीं। ये ऐसी कहानी है जहां आप सब कुछ घटने से पहले सब जानते हैं, लेकिन इसका प्रेडिक्टेबल होना ही फिल्म का पॉइंट है। फिल्म का सेंस और लॉजिक जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और मेकर्स भी इस बात से भली भांति अवेयर लगते हैं। मेकर्स ऑडियंस को एक माइंडलेस फिल्म ही ऑफर करना चाहते हैं। सेंसलेस होने में कोई बुराई नहीं, पर उसके साथ दिक्कत यह है कि आप उसमें कोई लिमिट नहीं तय कर पाते। आपकी कॉमेडी क्लीशे या ओवरयूज की हुई लगती है, ऐसे पंचेस जिन पर शायद किसी जमाने में हंसी आती हो, लेकिन अब लगता है कि इसकी क्या ही जरूरत थी यार। जैसे फिल्म में के शुरुआत में एक सीन है जहां रुहान को एक बैग मिलता है, उसे लगता है कि इसमें बॉम्ब है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो रीत का बैग है। जहां वो एक डायलॉग कहता है, इस बैग में बॉम्ब नहीं, ये तो बॉम्ब का बैग है। फिल्म के डायलॉग लिखने वाले फराज सामजी और आकाश कौशिक मतलब इससे तो बेटर कर ही सकते थे। कार्तिक का किरदार रुहान छिछोरा किस्म का आदमी है। उसके इसी कैरेक्टर ट्रेट से वजनी बच्चे को हाथी बोलना और किसी लड़की से जबरदस्ती गले लगना जैसी हरकतों को जस्टिफाई किया गया है। फिल्म में अश्विनी कलसेकर, संजय मिश्रा और राजपाल यादव को भी कॉमिक एलिमेंट्स में बढ़ोतरी करने के लिए रखा गया। इन तीनों एक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि आपको कई मौकों पर हंसी आएगी, चाहे वो स्क्रीन पर कुछ भी रैंडम कर रहे हों। लेकिन फिल्म की राइटिंग ने उन्हें ऐसे पंचेस नहीं दिए जो आपको फिल्म देखने के बाद लंबे समय तक याद रहें। जैसे भूल भुलैया से छोटे पंडित के डायलॉग याद कीजिए, जिन्हें हम आज भी रिकॉल कर पाते हैं। इस वाली फिल्म में भी राजपाल यादव के कैरेक्टर का नाम छोटा पंडित ही है, बस पुराने वाले से इसका कोई रिलेशन नहीं। फिल्म की कॉमेडी सिर्फ आउटडेटेड नहीं लगती, हॉरर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हॉरर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे जंप्स के यूज़ किए गए, बार बार लाउड म्यूजिक आता है। फिल्म के लगभग हर हॉरर सीन में आपको पता होता है कि क्या घटने वाला है। अब घुंघरू बजने की आवाज़ आएगी, मंजुलिका का दरवाज़ा खड़खड़ाएगा। ऐसे में हॉरर सीन आपको डराते नहीं, ना ही उनमें मौजूद एक्टर्स डरे हुए लगते हैं, खासतौर पर कार्तिक आर्यन। कार्तिक को लगातार एक किस्म के कैरेक्टर्स में डाला जा रहा है, जैसे वो हर फिल्म में कैरेक्टर कम और कार्तिक ज़्यादा लगने लगे हैं। यहाँ भी उन्हें देखकर ऐसा ही लगेगा। अगर फिल्म का क्लाइमैक्स छोड़ दें तो उनकी एक्टिंग ऐसी नहीं जो आपको फिल्म देखने के बाद याद रह पाए। कियारा के कैरेक्टर को तो राइटर शायद ठीक से लिखना ही भूल गए, जिस वजह से उनकी प्रेजेंस महसूस होती नहीं और कमी कभी खलती नहीं। एक्टर्स में अगर कोई यहाँ हाईलाइट साबित हुई हैं तो वो हैं तब्बू। ये उनके करियर का बेस्ट काम नहीं, ना ही यहाँ इंटेंस परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी, बस उन्हें देखकर लगता है कि वो अपना काम एंजॉय कर रही हैं। फिल्म अपनी तमाम खामियों से गुजरते हुए पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जो फिल्म का सबसे हाई पॉइंट है, रुहान और मंजुलिका का फेस ऑफ। ऐसा सीन जहां आपको अपना फ़ोन चेक करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, ऊपर से अरिजीत सिंह का गाया आमिजे तुम्हार जो सीन को एक लेवल ऊपर ले जाने का ही काम करता है। फिल्म देखते वक्त मेरे दिमाग में एक बात बार बार आई कि इसका नाम भूल भुलैया 2 क्यों है। वहां मंजुलिका के जरिए अवनी की मेंटल हेल्थ पर बात की गई थी, यहाँ मंजुलिका को भूत बना दिया, कुछ पुराने किरदारों को सिर्फ उनके नाम के लिए यूज़ किया। इन सवालों की कोई जवाब नहीं, क्योंकि कायदे से फिल्म भूल भुलैया का सीक्वल होने की जगह एक अलग हॉरर कॉमेडी हो सकती थी, लेकिन तब मेकर शायद भूल भुलैया के नाम पर ऑडियंस को थिएटर्स तक ना ला पाते। भूल भुलैया 2 ऐसी फिल्म है जिसमें अगर आपने सेंस ढूंढने की कोशिश की तब आप फिल्म एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पर वही चीज़ें परोसी हैं जिन्हें हम दर्जनों बार देख चुके हैं। अगर ये एलिमेंट आपके लिए अब भी काम करते हैं तो आप 2 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी पंकज, शुक्रिया।